हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से ढेर सारे ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन से। ट्रिक नंबर वन को करने के लिए आपको ना पुर्गेटरी मैप में, यहाँ पर आपको ना ब्राज़ीलिया के, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको ना इस पहाड़ के पास अपने साथ आपको एक बाइक लानी है, फिर आपको इस तरह से बाइक को पीछे से यहाँ पर सेट करना है, इस तरह से पूरा दीवार से चिपका कर, और फिर यहाँ पे आपको गेट आउट कर देना है। जैसे आप गेट आउट करोगे, आपका जो करेक्टर है उसका सर यहाँ पर इस तरह से इस पत्थर के अंदर घुस जाएगा, और फिर आप अगर इस तरह से यहाँ पर एम को मूव करते हो, आप नीचे से अच्छे से ऊपर का व्यू देख पाओगे। यहाँ पर ये जो पहाड़ है इसके आर पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर अच्छे से ऊपर बैठे एनिमी को आप इसलिए नीचे से ही देख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर राइट साइड का भी अच्छे से व्यू देख सकते हो, मतलब इस पहाड़ के राइट साइड के आर पर भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस तरह से एम सेट करके यहाँ पर आप पीछे का भी व्यू देख सकते हो, लेफ्ट का भी व्यू देख सकते हो, मतलब पूरा ये जो पहाड़ है ना इसके आर पार आप यहाँ पर देख ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको ना एक ग्रुप में, पहले आप ट्रिक को अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको खुद भी ये ट्रिक करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मेरा फ्रेंड है इसकी नोबड़ी है, फीमेल कैरेक्टर, खुद को यहाँ पर वुकोंग समझ रही है, मतलब ये लड़की है फिर भी खुद को यहाँ पर वुकोंग समझ रही है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हरकतें कर रही है। तो अब हमारे एडम को भी यहाँ पर देख लो, ये जो है यहाँ पर पूरा शर्माएगा। अभी आप देखना यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमारे फ्रेंड का जो है एडम है वो इस तरह से यहाँ पर शर्मा रहा है, जैसे कि वो यहाँ पर लड़की है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पर ये जो है, मतलब ये क्या हरकतें कर रहा है समझ ही यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। तो आप इस ट्रिक को ईजिली कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस ट्रिक को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है कैरेक्टर सेक्शन में। कैरेक्टर सेक्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रीमियम सिलेक्ट करना है, जो आपको लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको इक्विप करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पर वेपन सेक्शन में। वेपन सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई सा भी गन शो इन लॉबी कर देना, आप जिस भी गन को चाहो शो इन लॉबी कर सकते हो। फिर आपको फिर से जाना है यहाँ पर कैरेक्टर सेक्शन में, फिर आपको कोई सी भी यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर को लेना है, फिर आपको वापस जाना है फिर से कैरेक्टर सेक्शन में, और फिर से अपने प्रेमिस को यहाँ पर लेना है। फिर आपको जाना है वेपन सेक्शन में, फिर से यहाँ पर शो इन लॉबी से गन को हटा देना। जैसे आप हटाओगे, आपको जो फ्रेंड है वो ये वाला भी देख पाएगा, मतलब ये जो ट्रिक है सिर्फ फ्रेंड को ही दिखती है, खुद को नहीं दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए आपको ना मिल के इस रोड के पास, यहाँ पर आप लोकेशन अच्छे से देख ही सकते हो, राइट वाला जो लास्ट वाला यहाँ पर बोर्ड होता है, तो इसी पोस्टर के पास आपको ना इस शेडो के राइट साइड में आपको यहाँ पर बैठना है, और फिर यहाँ पे आपको जो है ड्रोन यूज़ करना है। और लोकेशन वगैरह आप अच्छे से देख लेना कहाँ पर मैं बैठा था, इसमें जो है लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो इस लोकेशन पर बैठ कर आपको जो है ड्रोन यूज़ करना है। जैसे आपका ड्रोन यहाँ पर चला जाए हाउस के अंदर, फिर आपको नेट को ऑफ कर देना है, और जैसे आप नेट ऑफ करोगे फिर आपको आना है हाउस के अंदर। आपका ड्रोन यहीं कहीं पर अटका पड़ा होगा, या तो नीचे या तो ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर ड्रोन है वो यहाँ पर पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है, यहाँ पर फंस चुका है। और नॉर्मली जो ड्रोन है बिल्कुल भी उल्टा नहीं होता, इस तरह से आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, और यहाँ पर पास से भी इसको अच्छे से देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर फोर को करने के लिए आपको फिर से आना है पुर्गेटरी मैप में। यहाँ पर आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी एक बाइक की, तो इस बार भी आपको ना ब्राज़ीलिया के पास, यहाँ पर आप लोकेशन अच्छे से देख ही सकते हो। इस तरीके से आपको बाइक को पहले तो पूरा पीछे ले जाना है, और फिर आपको फुल स्पीड में यहाँ पर बाइक को चलाना है। जैसे आप स्पीड से टक्कर खाओगे, आपकी जो बाइक है वो खुद ही यहाँ पर यू टर्न ले लेगी, जैसे कि आप देख ही सकते हो, मतलब यहाँ पर आपकी जो बाइक है आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्पीड से आपको टकराना है, आपकी जो बाइक है वो खुद ही इस तरीके से वापस आ जाएगी। और यहाँ पर एक ऐसे मून फ्लिप लगा रही है, आप देख सकते हो कितना मस्त है हमें पर व्यू दिख रहा है। अपने फ्रेंड को भी ये ट्रिक दिखा सकते हो, उनको भी सरप्राइज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर फाइव को करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा नया वाला मोड, आपको बिग हेड मोड में यहाँ पर आपको जो है गेम को स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा जोन के बाहर। आप चाहो तो यहाँ पर बीच में भी कर सकते हो, आपको पानी के ऊपर ही आना है और यहाँ पर जोन के बाहर आना है, और यहाँ पर आप इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो नीचे जाने में, जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर पानी में नॉक ना हो, हवा में यहाँ पर नॉक हो जाए। तो जैसे आपका कैरेक्टर यहाँ पर नॉक हो जाएगा, इस तरह से नीचे गिरने लग जाओगे, फिर आपको जल्द से यहाँ पर नेट को ऑफ कर देना है। जैसे आप नेट ऑफ करोगे यहाँ पर आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पर फिर से रिवाइव हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और नॉर्मली आप यहाँ पर रिवाइव हो सकते हो, बट इस तरह से आप इसी वाले मोड में, मतलब जब आप नीचे गिरे थे उसी टाइम पे आप यहाँ पर रिवाइव हो सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर सिक्स को करने के लिए आपको फिर से लगाना है यही नया वाला मोड, बिग हेड मोड में आपको फिर से गेम को स्टार्ट करना है। और इसमें गेम को स्टार्ट करने के बाद आप पहले अच्छे से देख लेना कौन सा वाला जगह पूरा जोन के बाहर है, थोड़ा सा भी वो जोन के अंदर होगा फिर आपका ट्रिक नहीं होगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो क्लॉक टावर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर 100% जोन के बाहर है, तभी यहाँ पर ये ट्रिक हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली किसी भी हाउस के ऊपर कहीं भी यहाँ पर चढ़ना है, फिर यहाँ पर गेम को मिनिमाइज़ करना है। और जैसे आप गेम को मिनिमाइज़ करोगे, फिर आप जैसे ही गेम खोलोगे आप पूरा यहाँ पर नीचे आओगे, चाहे यहाँ पर हाउस हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी होगा आप इसके आर पार इस तरह से निकल सकते हो, उसके नीचे भी यहाँ पर जा सकते हो।
चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको पहले आना है लॉबी में। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जाना है पहले इवेंट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप ये दो चीज़ें देख रहे हो, आपको इन दोनों पे जो है टैप 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 करते रहना है इस तरह से जल्दी जल्दी से, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर आपको ये जो यहाँ पर बाजा है, पता नहीं ये बाजा है क्या है, बैग है, जो भी है, यहाँ पर आपके पीछे इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको जाना है लक रॉयल में, और यहाँ पर आपको जाना है इस तरह से इनक्यूबेटर सेक्शन में। फिर जैसे आपका ये वाला ग्लिच हो जाए, फिर आपको जाना है वॉल्ट सेक्शन में। यहाँ पर जाने के बाद किसी भी शर्ट पे पहले आपको टैप करना है, जैसे कि मैं इस पर कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आपको ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कपड़े वगैरह इस तरह से आपको इनमें से किसी पे भी टैप कर देना है। जैसे कि इस पर टैप करोगे, आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पर ना ही कोई बंडल यहाँ पर डिस्कवर कर लेगा। आप देखिए सकते हो यहाँ पर हमारी जो बंडल है वो इसके साथ यहाँ पर मिक्स हो चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई नई ही बंडल यहाँ पर बन चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको ना बर्मुडा रिमास्टर्ड में या तो बर्मुडा में, आप दोनों में इस ट्रिक को कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना पीक में इस दीवार के पास, ये जो यहाँ पर पत्थर का दीवार बना होता है, यहीं पर आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद पहले आपको थोड़ी सी यहाँ पर लूट ड्रॉप करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लूट ड्रॉप कर रहा हूँ। लूट ड्रॉप करने के बाद आपको पहले यहाँ पर अच्छे से बैठना है, फिर यहाँ पर लैंडमाइन को सेट कर देना है। और आपका जो लैंडमाइन है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, अच्छे से यहाँ पर हाइड हो जाएगा। और अगर आप दो लैंडमाइन सेट करोगे, फिर अगर यहाँ से कोई भी बंदा आएगा, कोई भी यहाँ पर लूट को लूटने जाएगा, वो यहाँ पर किल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको फिर से आना है बर्मुडा मैप में। यहाँ पर आपको आना है सेंतोसा में। मैं यहाँ पर आपको मैप भी लोकेशन अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है इस वाले ब्रिज के पास। पहले आपको इस तरह से जाना है पानी में, जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और पानी में जाने के बाद यहाँ पर आपको पहले अच्छे से एम को सेट करना है। जैसे आप यहाँ पर अच्छे से एम को सेट करोगे, तो आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पर पूरा का पूरा पानी के नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर से कुछ दिख रहा है, गन वगैरह, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं दिख रहा हूँ, फिर आपको गन को हाथ में लेना है, फिर आप अच्छे से यहाँ पर पूरा हाइड हो जाओगे। और अगर यहाँ पे कोई भी बंदा भी आएगा, आप यहाँ पर सिंपली खड़ा आपको होना है, फिर आप किसी भी बंदे को यहाँ पर इजिली किल भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको कहाँ पर आना है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको कमेंट में बोला है, मतलब ये मैं अभी कौन सा मैप खेल रहा हूँ ये आपको बोला है कमेंट में, और ये आज का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने फ्रेंड को बिठाना है, यहाँ पर उसको बोलना है कि वो प्रोन करे, फिर आपको धीरे धीरे इस तरह से गाड़ी को उसके ऊपर ले जाना है। और जैसे आपका टायर यहाँ पर इस तरह से ऊपर चला जाए, फिर आपको सिंपली यहाँ पर गाड़ी से जो है गेट आउट कर देना है। और इसके बाद आपको गाड़ी में ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटर करना है। अगर आप ड्राइव करोगे तो आपका जो ट्रिक है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या ग्लिच होगा आप देख सकते हो। और अगर आप इस ट्रिक को बाइक के ऊपर भी करोगे, पीछे वाला टायर यहाँ पर ऊपर चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख ही सकते हो। और सिर्फ पीछे वाले टायर पे नहीं, आप चाहे तो आगे वाले टायर पे भी इस ट्रिक को इजीली कर सकते हो। और यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।